पिंजा दाई ना सेवा सेवा, नलिंज दाऊ ना सेवा सेवा, माँ बाबा ना सल्ला गांगरा ना सेवा सेवा। सेवा सेवा सगा पाड़ी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जीएसयू का राष्ट्रीय तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन फेसबुक यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाइव कर रहे हैं, और सभी सगा पाड़ियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जीएससी के राष्ट्रीय तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन में। और मैं विशेषकर युवाओं को आज एक बात रखने आया हूं कि जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं कोविड-19 ने हमको कितना लाचार कर दिया है, हमारे समाज को बहुत बहुत क्षति हुई है इस लॉकडाउन के पीरियड में। और युवाओं को मैं विशेषकर हमेशा स्वरोजगार के लिए ही प्रेरित करता हूँ, तो आज स्वरोजगार में मैं विशेषकर कोई अपने को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक कुछ साधन है उस पर मैं बात रखना चाहूँगा। जैसा कि सभी हमारे युवा छात्र लोग जानते हैं, महुआ इरुक पुंगार, इरुक पुंगार करीब करीब 70 लाख लोग हर साल हमारे देश में इरुक पुंगार बीनते हैं, जिसमें से 75% हमारा देशा समुदाय है। और देशा समुदाय मैं आपको कुछ तथ्यों के साथ बताना चाहूँगा, देशा समुदाय करीब 75% उनमें से, देखिए ये जैसा मैं आपके पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये जो काला काले कलर से जो बनाया गया है, ये एरिया में देश का 10,000 टन महुआ होता है। 10,000 टन, सोचिए 10,000 टन महुआ, और उसमें से करीब करीब 90% महुआ जो है शराब बनाने में उपयोग होता है, और उसका उसमें से महुआ जो हम बीनते हैं उसका उससे 30% लोग का 30% लोग का वार्षिक आय इस महुए से है। और एक स्टडी की गई थी 2019 में, 26,000 टन महुआ सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में, देश का 55% महुआ 2019 में 26,000 टन छत्तीसगढ़ से हुआ था, लगभग 55%, सोचिए 55%। तो महुए को, महुआ हमारे लिए एक प्राकृतिक वरदान समझता हूँ मैं तो, कल्प वृक्ष जैसे। अब महुआ के प्रोडक्शन को देखें तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जैसे ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें जो नीली लाइन दिख रही है आपको, हल्की नीली, ये छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ का प्रोडक्शन है। देखिए 2012 में करीब 75,000 से ज़्यादा हुआ, उसके बाद थोड़ा सा 2013 में थोड़ा कम हुआ, 50,000 से थोड़ा ऊपर, उसके बाद 2014 में और कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा 2015 में, फिर 16 में कम हुआ, 17 में फिर बढ़ गया। उसके बाद हम मध्य प्रदेश का नंबर है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर है, और उसके बाद झारखंड का। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम महुए को कैसे व्यावसायिक तौर पे कैसे इस्तेमाल करें। जैसे हमारे लोग महुए को पहले शक्कर और गुड़ के बदले पाग, महुए का पाग बनाते थे और उसमें रोटी रोटी खाते थे, और महुए के लड्डू बनाते थे और लाटा बनाते थे, और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य योग्य चीज़ें बनाते थे, और इसको हम भूलते जा रहे हैं। और हमारे जैसे हम लोग, आप सभी लोग जानते हैं, अभी कोविड-19 ने एक शब्द को बहुत फेमस किया, सैनिटाइज़र। तो हमारे लोग शुरू से सैनिटाइज़र का यूज़ किया, महुए के पानी का, ना कि कल दारू का नहीं, महुए के पानी का हम लोग ने हमेशा सैनिटाइज़र के रूप में यूज किया शुरू से, आदिकाल से।
गोंगो स्थल पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर करने के लिए गोंगो स्थान पे करते थे, फिर मृत शरीर के पास उसको कुछ देर रखने के लिए, इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए महुए का पानी इस्तेमाल करते थे, गांव के मेढ़ों में भी इस्तेमाल किया जाता था। और एक बहुत आप लोग को शायद ही मालूम हो, मैं भी मुझे 2-4 दिन पहले ही पता चला कि महुए का पानी का उपयोग जब बच्चा पैदा होता है तो नाल काटते हैं ना, तो नाल काटने के बाद उसको गड़ाया जाता है, उससे पहले उसको महुए के पानी में रखा जाता है, इतना उपयोगी है महुआ। और महुए को हम लोग सिर्फ दारू तक सीमित रखें तो उसको हम लोग व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, 2010 में IIT दिल्ली ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें महुए को एज ए बायोडीजल के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ऐसा बताया था उन्होंने। तो ऐसे ही इसी प्रकार के कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ेगी जिससे महुए को व्यवसायिक रूप पे बढ़ावा दें और जिससे महुए के दाम बढ़ें और हमारे लोग को एक आय का स्रोत मिले। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग महुआ लेते हैं, महुआ का बिनते हैं मार्च से लेके मई तक, उसके बाद हम उसके संग्रहण करने के बाद सुखा के बेच देते हैं। और फिर वही महुआ पहले हम जब सुखा के बेचते हैं तो बिचौलियों के को बेचते हैं, बिचौलिया मंडी में ले जाता है, मंडी वाला फिर कोल्ड स्टोरेज को बेच देता है, और फिर जब हमको ज़रूरत पड़ती है अक्टूबर के बाद तो हम वही महुआ हम उनसे लेते हैं महंगे दामों पे। हम बेचते हैं 30 रुपये किलो और जब हम अक्टूबर में उसी चीज़ को लेते हैं तो हमें दुगना 60 रुपये 70 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। और कहने का मतलब मेरा ये बताने का है कि हम ही उसके उत्पादक हैं, संग्राहक हैं, और हम ही उसे बेचते सस्ते दामों में हैं, और जब हमको उपयोग करना रहता है तो हम उसे महंगे दामों में ले रहे हैं। तो ये इस चीज़ को हमें व्यावसायिक रूप देना पड़ेगा। और महुए में इतनी सारी खूबियाँ हैं कि गिनाने से कम नहीं होगी। जैसे उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, और सबसे अच्छी बात जो अभी हम लोग फिर से मैं कोरोना पे आना चाहूँगा दोबारा, कि कोरोना के से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है सेल्फ इम्यूनिटी बूस्ट करना। तो महुआ सबसे अच्छा सेल्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है, सबसे अच्छा सूखा महुआ खाएं और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। महुआ से बढ़कर कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। और महुआ की खूबियों का कारण मैं बताऊं, महुआ विश्व में एकमात्र ऐसा फूल है, फूल जो परिपूर्ण अवस्था में पेड़ से गिर जाता है। आप कोई देखें, कोई फूल परिपूर्ण परिपक्व होके कभी नहीं गिरता है, और एकमात्र महुआ होता है जो अपने परिपूर्ण होने के बाद, कंप्लीट मैच्योर होने के बाद वो पेड़ से गिर जाता है, उसे तोड़ा नहीं जाता, इसलिए उसके पोषण तत्व कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तो उसे इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। पूरा विश्व जानता है, लेकिन हम लोग उसको उन्होंने हम लोग को डाइवर्ट कर दिया है, महुआ को सिर्फ शराब तक सीमित किए हैं, जबकि इससे बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती व्यवसाय के लिए, जिसमें सब कुछ परिपूर्ण चीज़ें हैं। हम उसको अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और उसको उसके पाउडर बना के बेचा जा सकता है, लड्डू बना के बेचा जा सकता है, पकवान बना के बेचा सकता है, आदि आदि आदि। तो मेरे GSU के सभी युवाओं से निवेदन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महुए के वृक्ष भी लगाएं, तभी हमें मिले अगले समय में जंगल में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। अगले 5-10 साल में मैं श्योर हूँ कि जंगल में घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा हम लोग को। तो महुए हम लगाएं भी और बीने भी, और इसे व्यावसायिक रूप दें। धन्यवाद। सेवा 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 जोहार।